किरण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड के प्रमुख जलप्रपात इंग्लिश में से वाटरफॉल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटरफॉल्स। ये आपको याद रखने हैं। अब वाटरफॉल्स होता क्या है वो देखना है। झारखंड, आप जानते हैं कि झारखंड छोटनागपुर का पठार में अवस्थित है। छोटनागपुर पठार से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और पठारी क्षेत्र होने की वजह से, अगर ये पठारी इलाका है तो पठारी क्षेत्र होने की वजह से यहां से जब नदियां निकल जाती गुजरती हैं इन क्षेत्रों से होकर के बहती है तो यहां से नीचे जब जमीन ढाल वाले भूमि में जब जाती है तो जल प्रपात का निर्माण करती है। जो जल इस तरह से गिरता है तो जलप्रपात का ही निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जलप्रपात का निर्माण होता है। इसे हम लोग इंग्लिश में वाटरफॉल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटरफॉल्स कहते हैं। याद रखेंगे वाटरफॉल्स, ध्यान देना है। तो ये वाला पार्ट में मतलब यहां से जो जल गिरा तो जल का जो यहां से लेंथ होगा, एक ये ऊंचाई होती है, दूसरी जो पूरा संपूर्ण यहां से लेकर आगे तक संपूर्ण लेंथ को लेते हैं। तो कहीं कहीं किताब में आपको अलग अलग मिलेगा, जैसे कहीं कहीं पूरा ये वाले डिस्टेंस को देता है, कहीं कहीं संपूर्ण वाला देता है, तो आपको वैरी करने में दिक्कत होता है, मिलाने में दिक्कत हो सकता है। लेकिन अभी हम दोनों डाटा लिख देंगे आपको ताकि दिक्कत ना हो। तो ये जलप्रपात हुआ और जलप्रपात का निर्माण झारखंड में ज्यादा हुआ है। निर्माण कहने मतलब प्राकृतिक रूप से, ऐसा नहीं कि हमने बनाया है बल्कि गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, यानी प्रकृति के द्वारा निर्मित है, उसे हम जलप्रपात कहते हैं। जो ऊंचाई से जो नदी का जल गिरता है पठारी क्षेत्रों से, उसे जलप्रपात कहते हैं, याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम आते हैं रांची, हमारी जो राजधानी है। कौन सा? रांची, जो झारखंड की राजधानी है और इसे झीलों का शहर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रांची को क्या बोलते हैं? झीलों का शहर। झीलों का शहर किसे हम बोलते हैं? तो रांची कहलाता है। क्या कहलाता है? रांची। और इसे और कहते हैं झारखंड की शिमला। झारखंड की शिमला के नाम से हम जानते हैं किसको? हमारी राजधानी, झारखंड की राजधानी रांची को। यहां से मैंने बताया था कि स्वर्णरेखा नदी निकलती पिस्का नगरी रानीचुमा क्षेत्र से, ऐसा आपको याद होना चाहिए, मुझे उम्मीद है याद होगा ही। तो स्वर्ण रेखा नदी, अब हम आज हम लोग बात कर रहे हैं जलप्रपात का, तो सब बोलेंगे कि स्वर्ण रेखा नदी, नदी का फिर से बात कर रहे हैं। नदी का वीडियो कंप्लीट होगा, आप अगर नदी का वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अगर देख लिए होंगे उसके बाद ही आपको यह समझ में आएगा, इसलिए आपको देखना जरूरी है पिछला वीडियो। तो स्वर्णरेखा नदी जो है इसके ऊपर जो जलप्रपात का निर्माण हुआ है, उस जलप्रपात का नाम क्या है? तो उसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। क्या नाम है उसका? हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात नाम है इसका, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करें, पहला प्रश्न यह आता है कि स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात का निर्माण हुआ है? तो स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात का निर्माण हुआ है? तो हुंडरू जलप्रपात का निर्माण हुआ है। स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात का निर्माण हुआ है। रिपीट करेंगे, मुझसे बोलेंगे, याद रहेगा आपको। इसका लेंथ हम देखते हैं इस तरह से, 74 मीटर या 243 फीट, यानी 243 फीट देता है। यहां पर एक रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि एक मीटर बराबर होता है 3.2808399 फीट। ये याद रखिएगा आप इसको अप्रोक्स में याद रख सकते हैं, एक मीटर बराबर 3.28 फीट, ये याद रखिएगा, ये मदद मिलेगा। क्या क्यों बताया मैंने इसको, आपको समझना होगा। अगर 74 मीटर आपको याद है, रटे हुए हैं, समझे हुए हैं, तो आप उसको 3.28 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 243 फीट के आसपास आपका आंसर आएगा। ये आपकी इसकी जो धारा है उसकी लंबाई बता रहा हूं, संपूर्ण लंबाई अगर बात करेंगे तो अब आपका एक नया इंफॉर्मेशन मिलकर बन के आया है, जो आया है कि 98 मीटर, कितना मीटर? 98 मीटर, 98
मीटर या ध्यान देना है 322 फीट। आप इसको फीट लिखेंगे, फीट कितना है ध्यान देंगे, आप सभी ध्यान देंगे कि 98 मीटर या 322 फीट। अगर ऑप्शंस में ए भी रहेगा तो आपका आंसर ए भी हो सकता है। मतलब संपूर्ण लंबाई अगर बात करें, विकिपीडिया वगैरह आप इंटरनेट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा देखते वक्त इन चीजों का, और साथ में किताब का भी अध्ययन करेंगे, बुक्स का अध्ययन करें, जैसे एटलीस्ट आपके पास झारखंड लुसेंट होना चाहिए, मनीष रंजन की बुक होनी चाहिए ताकि उससे आप कुछ फायदा उठा सके। और चूंकि झारखंड की कोई ऑथेंटिक बुक वैसी नहीं मिलती, प्रमाणिक बुक, सभी डॉक्टर अलग अलग लिखते हैं और बच्चे वहां के फंस जाते हैं, इसलिए मैंने इस तरह से वीडियो बनाया ताकि आपको फायदा हो सके। और आपको रटना होगा, ऐसा नहीं कि बस मैं एग्जाम में गए और 3.28 कैसे आया वो करना नहीं है, आपको रट लेना है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वहां पर इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम में। तो वहां पर आप पता ही हो क्या कि एग्जाम जब देने जाते हैं तो समय पंख लगा के उड़ता रहता है, तो भाई आपको समझेंगे कि रट लेंगे कि अगर 74 अगर आता है, 74 अगर रहता है ऑप्शन में, सब नहीं देख रहा था 74 आंसर होगा, या फीट में 243 फीट, या भी ऑप्शन अगर इस तरह संपूर्ण वाला आएगा तो 98 मीटर या 322 फीट, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो किस नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, और यह झारखंड की, यह झारखंड की, झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची, सबसे ऊंची या ऊंचा जलप्रपात है, जो किस जिले में है, रांची जिले में है, ठीक है याद रखना। पहला सबसे बड़ा कहां पर है, हम आएंगे लातेहार जिला में आएंगे, उसमें बताएंगे आपको दूसरा आप सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडू जलप्रपात है जो रांची जिला में है। इसी की सहायक नदी देखेंगे, राणू नदी था जिस पर बना है गौतम धारा, गौतम धारा, या इसी का नाम है जोनहा जलप्रपात, जोनहा जलप्रपात, क्या नाम हुआ, गौतम धारा जलप्रपात या जोनहा जलप्रपात, जोनहा नाम पड़ा इसके निकट, जोनहा नाम का एक गांव है इसके वजह से इसे जोनहा जलप्रपात कहते हैं। और ऐसी मान्यता है कि गौतम, भगवान गौतम बुद्ध यहां आकर स्नान किए थे, तो उस समय से इसका नाम या उसे हम कहते हैं गौतम धारा जलप्रपात। गौतम धारा जलप्रपात में जलप्रपात जो है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन आपका था, इसी मान्यता है कि कहां पर स्नान किए थे, तो गौतम धारा जलप्रपात में। इसके हाइट को लेकर देखते हैं तो 17 मीटर या 55 फीट, 55 फीट, कितना 17 मीटर या 55 फीट। लेकिन अभी हाँ, इसमें से हम ध्यान देंगे इस चीज को कि अब आपको यहां रखना पड़ेगा कि कहीं कहीं आपको 45 मीटर या 150 फीट भी मिलेगा, कितना मिलेगा 45 मीटर या 150 फीट, ये याद रखना होगा आपको, भली भांति आपको याद होना चाहिए। अगला जो है यही सहायक नदी इसका था, कौन सा याद कीजिए आप, सहायक नदी तो आपको मिलेगा एक नदी था यहां पर जो कि हम बोले थे कि कांची नदी सहायक नदी, ये किस नदी, किस नदी पर बना हुआ है, तो राणू नदी सहायक नदी, किस क्या है इसका, राणू नदी, राणू नदी, यहां पर जो राणू दिखा रहे हैं इस तरह से राणू नदी, कौन सा नदी, राणू नदी पर गौतम धारा या जोनहा जलप्रपात है, जिसकी हम ऊंचाई कर लेंथ की बात करें तो ये वाली बात है ना। और अगर पूरा संपूर्ण बोलेगा तो 45 मीटर या 150 फीट, और अगर सिर्फ बोलेगा धारा का तो 17 मीटर या 55 फीट बोलेंगे। किस नदी पर गौतम धारा जलप्रपात है या जोनहा जलप्रपात है, वो है राणू नदी पर। आगे हम बोल देंगे कांची नदी है, कौन सा नदी है, कांची नदी, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कांची नदी पर जो जलप्रपात का निर्माण हुआ है उस जलप्रपात का नाम है आपका दशम जलप्रपात, दशम जलप्रपात, ये आपका कहां पर है, रांची जिला के स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कांची नदी पर है दशम जलप्रपात। इसका लिखता है 40 मीटर या 130 फीट, और विकिपीडिया वगैरह मौजूद बुक्स में आया हुआ है, अब आया है 44 मीटर या 144 फीट, ये याद रखेंगे आप सभी। अगर
सिर्फ बुध, अगर ये ऑप्शंस में ये नहीं है या ये फिट में नहीं, तो आपका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा तब ये होगा आंसर आपका, ठीक है। मैंने बताया कि यहाँ जलप्रपात का एक होता है कि जलप्रपात जहां से गिर रहा है सिर्फ उसकी लेंथ को लिया जाता है, और कहीं कहीं ले लिया गया है पूरा का पूरा, तो इसीलिए इसका मतलब थोड़ा सा वेरिएशन मिल रहा है इसमें, इसके वैल्यू में, अगर हम सॉरी मान में कहते हैं, या उसका लेंथ में जो दिया गया उसमें डिफरेंस मिल रहा है। इसके अलावा रांची में और है आपका जलप्रपात, देखिएगा ये तो प्रमुख हो गए, रांची जिला में तीन, हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात और गौतम धारा जलप्रपात, जिसे हम जोहना जलप्रपात कहते हैं, राणू नदी पर है, और दसम जलप्रपात कांची नदी पर है। किस नदी पर है? कांची नदी पर दसम जलप्रपात है, और सोनरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। इसके अलावा दो और है, जैसे सोनुआ, सोनुआ जलप्रपात है जलप्रपात, और एक है आपका सीता जलप्रपात, सीता जलप्रपात, यहां तक हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो पांच जलप्रपात है, कौन कौन सा है रांची, पांच जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात है जिसकी लेंथ है, जिसकी जो ऊंचाई है 74 मीटर या 243 फीट है, 98 मीटर 322 फीट, झारखंड की दूसरी सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और फिर हम देखेंगे गौतम धारा, जिसे जोहना जलप्रपात भी कहते हैं, वो राढ़ू नदी पर है, ये सोनरेखा हुंडरू जलप्रपात सोनरेखा नदी पर थी। उस दसम जलप्रपात कांची नदी पर है 40 मीटर या 130 फीट यानी 130 फीट, 40 मीटर या 144 फीट। सोनू जलप्रपात और सीता जलप्रपात यहां पर मिले कहां पर? रांची में। तो पांच जलप्रपात हम देखे यहां पर, इंपॉर्टेंट आपको मिटा रहा हूं फिर से इसको, सिर्फ जलप्रपात में लिखता हूं, क्या लिखता हूं? सिर्फ जलप्रपात। जैसे सिर्फ जलप्रपात को यहां पर लिखने का प्रयास करूंगा मैं, याद रखिएगा एक मीटर और एक वन मीटर इज इक्वल्स टू 3.28 फीट, याद रखिएगा, याद होना चाहिए आपको। तो पांच जलप्रपात हम लोग देखे कहां पर? रांची जिले में, कहां पर देखे? रांची जिले में। तो रांची जिला में जो पांच जलप्रपात है उसको हम लोग देखते हैं सीरियल वाइज से, जैसे पहला हम लिखते हैं हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, इसकी हाइट को लेकर, इसकी ऊंचाई को लेकर मैंने बता चुका हूं इसको, हुंडरू जलप्रपात है। उसके बाद आपको मिलेगा गौतम, गौतम धारा, गौतम धारा जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात, और इससे पहले हम लिख देते हैं आपको दशम वाला, क्योंकि अब याद रहेगा, जल्दी याद रहेगा, दशम देता हूं, दशम जलप्रपात, जुबान पे कभी कभी तुरंत आ जाता है कि हुंडरू और दशम यहीं पर, गौतम धारा या जोनहा जलप्रपात, सीता जलप्रपात, देखेंगे सीता जलप्रपात, और एक मिलेगा आपको सोनुआ जलप्रपात। यहीं पर अब आगे आते हैं, जिला कौन सा होगा जरा देखिए आप सभी, कौन सा जिला होगा यदि बोलिए? यह है पूर्वी सिंहभूम, कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। यहां पर आपको जलप्रपात मिलेगा धारा गिरी, कौन सा गिरी? धारा गिरी जलप्रपात। यह घाट शिला के निकट, कहां है? घाट शिला के निकट। यह प्रश्न आया हुआ था कि घाट शिला किस जिले में पड़ता है, किस जिले में घाट शिला पड़ता है, किस जिले में? तो घाट शिला पड़ता है पूर्वी सिंहभूम जिले में, किस जिले में? पूर्वी सिंहभूम जिले में घाट शिला है, पूर्वी सिंहभूम जिले में घाट शिला है, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं
पश्चिमी सिंहभूम, ये आपको याद होगा फिगर, ये पश्चिमी सिंहभूम वाला है। कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ध्यान से इसको देखेंगे आप लोग, पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। इसे हम लोग झारखंड का रत्न गर्भा भी कहते हैं, झारखंड की रत्न गर्भा के नाम से फेमस है। कौन? पश्चिमी सिंहभूम फेमस है झारखंड की रत्न गर्भा के नाम से। तो इसमें तीन जलप्रपात हम देखेंगे, एक हिरनी जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात, दूसरा थाकोरा जलप्रपात। तीसरा लुपुंग गुटू जलप्रपात। तीन जलप्रपात देखे, कहां कहां, कौन कौन सा देखे? पश्चिमी सिंहभूम जिसे हम लोग रत्न गर्भा के नाम से जानते हैं, और तीन जलप्रपात है, हिरनी जलप्रपात, थाकोरा और लुपुंग गुटू। ये बहुत ही मनोरम दृश्य है इसका, और अब जब यहां घूमने जाएंगे एक पिकनिक स्पॉट के रूप में फेमस है, और अगर यहाँ जाते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ झारखंड, आपको बिलीव ही नहीं होगा कि झारखंड में इस तरह का जलप्रपात आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही मनोरम दृश्य है वहां, अगर इन क्षेत्रों का विकास किया जाए तो झारखंड गवर्नमेंट को अच्छा खासा यहाँ से अर्थव्यवस्था के लिहाज से फायदा हो सकता है, पर्यटन के रूप में ये विकसित हो सकता है। ये हिरनी नदी बोलता है रामगढ़, सॉरी गरहा नदी बोलता है, और कहीं कहीं रामगढ़ भी लिख देता है इसके बारे में, हिरनी जलप्रपात के बारे में। अब आते हैं आगे सिमडेगा। सिमडेगा कहां होगा जरा सोचिए, हमें पता है कि आप लोग मेरा पार्ट वन वीडियो भी अगर देखे होंगे तो जिला सब पता हो गया होगा आपको। तो ये सिमडेगा है, कौन सा है? सिमडेगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग खेल का नर्सरी, क्या बोलेंगे? खेल का नर्सरी, बहुत सारे खिलाड़ी यहां से आए दिन आते रहते हैं, और ये हमारा खेल की नर्सरी के नाम से भी फेमस जाना जाता है। यहां पर तीन जलप्रपात मिलेगा, तीन जलप्रपात हम लोग देखेंगे, तीन जलप्रपात देखेंगे, कौन कौन देखेंगे? पेरू घाल, केला घाल और सुगा काटा घाल, ध्यान देंगे। तीन जलप्रपात आपको याद रखने होंगे, केला घाल, पहला क्या होगा? केला घाल जलप्रपात, दूसरा पेरू घाल जलप्रपात, तीसरा सुगा काटा घाल, जलप्रपात, तीन जलप्रपात कहां मिला? सिमडेगा में, सुगा काटा घाग जलप्रपात, पेरू घाग जलप्रपात और केला घाग। सिमडेगा में तीन जलप्रपात, सुगा काटा घाग जलप्रपात, पेरू घाग और केला घाग, सुगा काटा घाग, पेरू घाग और केला घाग जलप्रपात कहां पर है? ये आपका सिमडेगा जिला में मिलेगा। अब ठीक इसके ऊपर अगर हम लोग आ जाएंगे कहां, ये गुमला जिला, कौन सा जिला? गुमला। तो गुमला में कितना है वो आपको याद करना पड़ेगा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोगों ने इसको याद किया है। तो गुमला जिला में हम देखेंगे आगे, हम लोग देखेंगे अब गुमला जिला में देखेंगे सदनी घाग जलप्रपात देखेंगे, कौन सा देखेंगे? सदनी घाग जलप्रपात। कौन कौन सा जलप्रपात इसमें है वो देखेंगे, सदनी घाग जलप्रपात, सदनी घाग जलप्रपात, इसको लिखता है 60 मीटर या 200 फीट, इसका सदनी घाग जलप्रपात आया हुआ क्वेश्चन है।
आगे देखेंगे सदनी घात जल पर पात, उसी के बाद आप देखेंगे यहां पर हे पात जल पर पात। नाग फेनी जल पर पात, नाग फेनी जल पर पात हो गया। उसके बाद आपको आएगा यहां पर प्रेमाघात, प्रेमाघात जल पर पात, और फिर आप आएगा एक शेर का जल पर पात, शेर का जल प्रपात। इंपॉर्टेंट है कितना जल प्रपात हो गया, पांच जल प्रपात हो गया। कौन कौन सा? सदनी घाग जल प्रपात, हेपात जल प्रपात, नागफेनी जल प्रपात, प्रेमा घाग जल प्रपात और शेर का जल प्रपात। ये पांच जल प्रपात कहां पर हुए? आपका गुमला जिला में, गुमला में। आप पता ही है गुमला अल्बर्ट एका का नाम सुनाई होगा, झारखंड का प्रथम परमवीर, प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता है, तो अल्बर्ट एका की नगरी है, इसे हम लोग अल्बर्ट एका की नगरी भी कहते हैं, अल्बर्ट एका की नगरी। किसे? गुमला को कहते हैं। किसको? गुमला को। अब इसके ठीक हम आगे देखेंगे ऊपर में कौन सा जिला आपका है, याद कीजिए कौन सा जिला आपका होगा, तो लोहरदगा है। कौन सा है? लोहरदगा है, इसे हम लोग बॉक्साइट नगरी के नाम से जानते हैं, लोहरदगा। इतना ऊपर बनी, थोड़ा सा नीचे है क्योंकि गुमला सटा हुआ था, है ना, तो यहां लिख देता हूं आपका है लोहरदगा। यहां पर है घर घरिया जलप्रपात, घर घरिया जलप्रपात, जल प्रपात हुआ। लोहरदगा में कौन सा है? घर घरिया जलप्रपात। लोहरदगा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अन्य नाम से, बॉक्साइट नगरी के नाम से, बॉक्साइट नगरी के नाम से जानते हैं हम लोग किसे? लोहरदगा को। ठीक, यहां पर अब आपको याद आ गया होगा कि ये वाला कोई और नहीं बल्कि आपका लातेहार है, झारखंड का प्रकृति का हृदय स्थली। किसी नाम जानते हैं इसमें? प्रकृति का हृदय स्थली, प्रकृति का हृदय स्थली, है ना। यहां पर नेतरहाट है जो कि घूमने वाला है, सनराइज सनराइज पॉइंट है, सनसेट पॉइंट यहीं पर है, कोयल व्यू भी यहीं पर है, आप घूम सकते हैं। आपको अपने ही राज्य में ऐसे ऐसे जगह है घूमने के लिए जहां पर आपका क्या बोल सकते हैं, मन अच्छा लगेगा, और आश्चर्य होगा कि इतने अच्छे अच्छे जगहों में लातेहार जहां पर है, नेत्रहाट जगह है, वो घूमने लायक जगह है। और अगर इसकी अर्थव्यवस्था के हिसाब से इसका सुधार किया जाए तो हमें लगता है कि झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो सुधर जाएगी कुछ हद तक, तो पूरा तो नहीं कहेंगे लेकिन जितना जलप्रपात आपको नजर आ रहे हैं अब तक, वो जलप्रपात पर विकास किया जाए तो वहां के इसके निकट रहने वाले लोग, इस सब गांव के निकट रहने वाले जो लोग होंगे उनकी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है और उनका जीवन स्तर सुधर सकता है, उनके बच्चे भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो मैट्रिक तक पढ़ पा रहे थे वो ग्रेजुएशन तक जाएंगे, पीजी तक कर पाएंगे। यहाँ पर सिमडेगा से बहुत सारे बच्चे भी रांची शहर आते हैं पढ़ने के लिए, है कि नहीं, तो आज बहुत यहाँ रांची में उनको सुविधा मिल जाता है। अगर सुविधा वहीं मिल जाए सब कुछ, अगर विकास किया जाए अर्थव्यवस्था के हिसाब से, तो राज्य का विकास वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि वहां के लोगों के पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे और उनका बच्चा भी जाकर के आईएएस बन सकता है, आईएएस आईपीएस बन सकता है, झारखंड में जेपीएससी निकाल के बीडीओ डीएसपी भी बन सकते हैं, है ना। तो हम ये कहेंगे, और इस बार जो आपका जेएसएससी एग्जाम है उसमें भी बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे ही। आइए, लातेहार जिला में देख रहे थे हम लोग जलप्रपात का निर्माण करने की हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये वाला है, कौन सा है याद कीजिए, आपको मैंने बोला था कि लातेहार में सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है बूढ़ा घाग, या इसी को हम लोग कहते हैं लोधा घाग जलप्रपात।
जो किस नदी पर है, तो बूढ़ा नदी पर है, याद रखना है बूढ़ा नदी पर है। किस नदी पर है? बूढ़ा नदी पर है। बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात किस नदी पर है? बूढ़ा घाघ बूढ़ा नदी पर है। लोधा बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर है। याद होगा रांची के मध्य पठार से उत्तरी कोयल निकल रही थी जो सोन नदी में जाके मिल रही थी, मुहाना था। मैंने बताया था कि उत्तरी कोयल जो नदी थी उसकी तीन सहायक नदियां थी, बूढ़ा नदी, अमानत और औरंगा। अगर पूछेगा कि लोधा घाघ जलप्रपात किस नदी पर है, अगर बूढ़ा घाघ ऑप्शन में, तो आंसर आपका बूढ़ा घाघ होगा। और अगर वो आंसर नहीं है, अगर वो ऑप्शन नहीं है, तो आपको उत्तरी कोयल मिलता है, तो उत्तरी कोयल भी आप आंसर कीजिएगा उसको, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि नहीं आया, बूढ़ा घाघ नहीं, उत्तरी कोयल नहीं मारेंगे, नहीं। आपको समझना पड़ेगा चीजों को, आप समझिए ना, फैक्ट रटने का प्रयास कम समझने का प्रयास कीजिए। इस ये सहायक नदी किसका है? उत्तरी कोयल का है, तो ये नहीं तो उत्तरी कोयल हो जाएगा आंसर इसका। तो लोधा घाघ या बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहां पर है? बूढ़ा नदी पर है, लातेहार जिला में है। इसके अलावा कंफ्यूजन का जो बात है, गौतम धारा का मैं बात कर रहा हूं, यहां गौतम घाघ जलप्रपात होगा, याद रखिएगा गौतम घाघ जलप्रपात होगा, है ना। तो यहां पर और हम जलप्रपात का निर्माण करेंगे, घाघरी घाघरी जलप्रपात का निर्माण करेंगे, सॉरी निर्माण नहीं करेंगे, वो प्रकृति के द्वारा है, घाघरी का होगा, है ना। कौन सा जलप्रपात का होगा? घाघरी जलप्रपात, घाघरी जलप्रपात, घाघरी जलप्रपात है, कांति जलप्रपात है, कांति जलप्रपात है, मिर्चैया है, मिर्चैया जलप्रपात, जलप्रपात। एक और जलप्रपात है जिसको हम कहते हैं गौतम घाघ जलप्रपात। इसकी उच्च इसका हाइट को मैंने लिखा, बूढ़ा घाघ लोधा घाघ, बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर है, इसकी हाइट की मैं बात कर रहा हूं, सॉरी इसकी ऊंचाई की बात कर रहा हूं, तो कहीं कहीं 137 मीटर लिखता है या 450 फीट, 450 फीट। इसी को अभी जब नया नया डाटा जब आया है इसमें से लिख रहा है, अब लिखता है इसका डाटा जो है 143 मीटर या 469 फीट। किसका? लोधा घाघ या बूढ़ा घाघ का? ये क्या हो गया? झारखंड की सबसे, झारखंड की सबसे, झारखंड की, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अब मैंने बताया था आपको कि हुंडरू जलप्रपात दूसरा था, ये दूसरा स्थान है झारखंड का, दूसरा जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, तो इसका 74 मीटर था या 243 बोले थे, 243 फीट बोले थे, या इसी को हम लोग बोले थे नया डाटा जो है 98 मीटर या 322 फीट। गढ़वा जिला में हम लोग देखेंगे, गढ़वा जिला में कौन कौन सा जलप्रपात है उसको देखेंगे हम लोग, है ना। तो पहला देखते हैं हम लोग, यहां लिख देता हूं मैं आपको, गुरसेंधु जलप्रपात। गुंगा झंज जलप्रपात, सुख लदरी जलप्रपात, सुख लदरी जलप्रपात, हे सातु जलप्रपात, एक होगा बलचौरा
बलचौरा जलप्रपात। तो पांच जलप्रपात हम लोग कहां देखे, गढ़वा में देखे। कौन कौन सा देखे, घूर सिंधु जलप्रपात, गुंगा झन जलप्रपात, सुखलद्री जलप्रपात, हेसातु जलप्रपात, बलचौरा जलप्रपात। तो पांच देखे, एक दो तीन चार पांच। फिर हमने देखा था इसके नीचे लातेहार में देखा था बूढ़ा घाग, यलोधा घाग, घाघरी, कांति, मिर्चैया और गौतम घाग। गुमला में देखा था सदनी घाग, हेपात, प्रेमा घाग, नागपेनी, शेरका, सिमडेगा में सुगाकाटा घाग जलप्रपात, पेरू घाग, केला घाग जलप्रपात, लोहरदगा में घाघरी जलप्रपात हम लोगों ने देखा है यहाँ पर। अब इसके बगल में कौन सा है आपका, तो यहाँ पर है पलामू जिला, पलामू जिला, इसमें कुंड जलप्रपात है, कुंड जलप्रपात झारखंड का जैसलमेर या कह सकते हैं जैसलमेर नगरी है ये, कौन पलामू को बोला जाता है। आगे चतरा, कौन सा है जिला, ये चतरा जिला है, छोटनागपुर का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं, आता है क्वेश्चन है कि चतरा को क्या बोलेंगे, छोटनागपुर का प्रवेश द्वार। यहाँ पर जो जलप्रपात है जो बड़ा फेमस है तमासीन, क्या नाम है, तमासीन जलप्रपात, प्रपात कहां पर है, चतरा में, मेला भी लगता है। अब आए दिन न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे तो वहां से आपको समझ में आ जाता होगा कि तमासीन जलप्रपात कहां पर है, तो चतरा में है, और चतरा जिला के होंगे उन्हें भली भांति पता होगा। मालूदा, मालूदा केरीदा, ये जलप्रपात यहां लिख दूं मैं, जलप्रपात और केरीदा भी, केरीदा जलप्रपात एक इसी में होगा, गोवा जलप्रपात, कौन सा, गोवा जलप्रपात, गोवा जलप्रपात हो गया। तो कौन कौन सा हो चतरा में, चार हुआ, चतरा में चार हुआ, तमासीन जलप्रपात, मालूदा, केरीदा और गोवा जलप्रपात। यहां हम लोगों ने देखा कि चार जलप्रपात यहां पर, पलामू में कुंड जलप्रपात, सतबरवा प्रखंड कह रहा यहाँ पर आपका फेमस नाम है पलामू में, यहाँ पर जानते भी होंगे आप सभी अगर होंगे वहां के तो। और उसके बाद यहाँ पर कोडरमा ऊपर में है, मैं यहाँ दिखा दूंगा आपको, इस जगह पर कोडरमा जिला है, कौन सा जिला है, कोडरमा, कोडरमा में दो जलप्रपात मिलेगा आपको, एक मिलेगा पेट्रो जलप्रपात और एक होगा वृंदाहा, वृंदाहा जलप्रपात। कौन कौन सा हुआ, कोडरमा में पेट्रो जलप्रपात और वृंदाहा जलप्रपात दिखेगा आपको कहां पर, कोडरमा में। हजारीबाग जिला यहीं पर था आपका, हजारीबाग जिला, मैं केरीदा को मिटा दूं हल्का तो आपको समझ में आएगा, यहाँ लिख जगह हो पाएगा कि छोड़ दू, मैं छोड़ देता हूं, यहां पर है मेरा हजारीबाग जिला, हजारीबाग जिला, यहां पर आपको मिलेगा बोकारो जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात, बोकारो जलप्रपात, कहां पर, हजारीबाग में। कोडरमा में पेट्रो जलप्रपात, वृंदाहा जलप्रपात, हजारीबाग में बोकारो जलप्रपात है, और गिरिडीह में, कौन सा, गिरिडीह में आपको, यह कौन सा जिला है, गिरिडीह है, गिरिडीह यहां पर है उसरी जलप्रपात, उसरी जलप्रपात कहां पर, गिरिडीह में, गिरिडीह में कौन सा है उसी जलप्रपात, यहाँ जैन तीर्थकरों का निर्वाण नगरी है, और हजार बागों का शहर हजारीबाग है ना, इसी बोला जाता है हजार बागों का शहर किसे, हजारीबाग। अब आते हैं हम लोग, हजारीबाग से अलग हुआ था कौन सा, रामगढ़, कौन सा जिला हुआ था, रामगढ़, यहां लिख देता हूं रामगढ़, और यहां जो जलप्रपात है रामगढ़ में, जहां हम रामगढ़ में हमारा होगा रजरप्पा जलप्रपात, रजरप्पा जलप्रपात, रजरप्पा दो नदियों के संगम पर है, दामोदर और भैरवी या भेड़ा नदी के संगम पर है, और माँ छिन्नमस्तिका की नगरी बोला जाता है रामगढ़ को। इसके बाद बगल में था कौन सा, बोकारो, कौन सा जिला है ये, बोकारो जिला है, बोकारो जिला में झुमरा पहाड़ है, पहाड़ी बोकारो जिला में है,
एक आपका है यहां पर लुगु पहाड़ है, वहां पर लुगु लुगु बुरु घंटाबाड़ी, लुगु बुरु घंटाबाड़ी जलप्रपात कहां मिलेगा आपको? बोकारो जिला में है, इस्पात नगरी के नाम से फेमस है। कहां पर? बोकारो जिला में लुगु बुरु घंटाबाड़ी जलप्रपात है। यहां पर विदेशी सैलानी लोग भी आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं। धनबाद यहां पर है। इसके बगल में कौन सा जिला है? धनबाद। आपको पता ही है कि ये कोयला के लिए फेमस है, कोयले की नगरी के नाम से फेमस है। धनबाद में आपको भटिंडा भटिंडा या मुनि डीजल प्रपात इसी को बोलते हैं, जल प्रपात या मुनिडी मुन्नी डी जल प्रपात धनबाद में मिला। राजमहल में यहां पर, राजमहल क्षेत्र में, कहां पर? राजमहल क्षेत्र में, यहां पर राजमहल ऊपर में लिख देता हूं। राजमहल क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है? राजमहल क्षेत्र, तो यहां पर आपको मिलेगा मोती झरा, मोती झरा जलप्रपात, जलप्रपात जो अजय नदी पर है। कौन सी नदी पर है? अजय नदी पर। एक गरहा नदी पर यहां पर हम बोल सकते हैं, रामगरहा भी लिखता है इसका, कौन सा? हिरनी जलप्रपात जो पश्चिमी सिंहभूम में है। और एक छूट रहा था आपका यहां पर खूंटी, यहां पर कौन सा? सिमडेगा का सीमा और पश्चिमी सिंहभूम ऊपर और रांची जो अलग हुआ था, कौन सा जिला? खूंटी, खूंटी जिला ना, खूंटी जिला। यहां पर है पंचघाग, पंचघाग जल प्रपात, अब एक निगाह आप डालिए झारखंड के जलप्रपात। ये आपको जो मैं बता रहा था, झारखंड का जलप्रपात है, झारखंड के जलप्रपात, झारखंड के जल प्रमुख जलप्रपात, प्रमुख जल प्रपात, इसको हम डिस्कशन अभी तक कर रहे थे और कर रहे हैं अभी फिलहाल अभी। अब आपको देखना होगा एक पूरी तरीका, सरसरी निगाह डालिए आप सभी, तो जलप्रपात के बारे में, जलप्रपात के बारे में क्या बोले कि जलप्रपात जब नदियां पठारों से होकर गुजरती हैं, आपको पता है कि झारखंड पठारी क्षेत्रों से होकर गुजरता है, तो पठारी क्षेत्र से गुजरने की वजह से क्या होता है कि वो नदियां पठारी क्षेत्र से गुजरती है तो वो जलप्रपात, ऊपर से धारा जो गिरती है, ऊंचाई से धारा गिरती है, वही जलप्रपात का निर्माण करती है। और चूंकि पूरा झारखंड जो है छोटनागपुर पठार पर स्थित है, तो छोटनागपुर पठार पर स्थित है, इसकी वजह से अधिकतर जिलों में देख रहे हैं कि जलप्रपात का निर्माण हुआ है। लगभग लगभग आप जलप्रपात, इतना जलप्रपात हम देखे, हम लोग झारखंड में देखे कौन कौन सा, सब शुरू से हम लोग एक बार रिविजन कर लेंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल इसलिए नहीं कि एक बार JSSC में सिर्फ सीरियल आया हुआ है सचिवालय का, उसमें उसके लिए नहीं, जितना भी एग्जाम अभी होगा आने वाला समय में, जो भी एग्जाम होंगे, चाहे वो 10th स्तरीय हो, मतलब 10th क्लास का 10th स्तर का होगा, और या फिर 10+2 यानी इंटर स्तर का होगा, या ग्रेजुएशन लेवल का, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहां से आए दिन प्रश्न आपके आते ही रहते हैं। तो आपको मैप के द्वारा याद करने में ज्यादा फायदा होगा, रटने पर विशेष ध्यान नहीं देंगे, विशेष ध्यान देंगे कौन जिला में है, कैसे मैंने दिखाया है। आप मैपिंग करेंगे 2-10 बार, आप रिविजन कीजिएगा घर पे, लिखने का प्रयास कीजिएगा, तभी हो पाएगा ये, और हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम शुरू से देखते हैं कि कौन कौन सा जलप्रपात हमने बनाया था और एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे घुंडरू है, दशम है, गौतम है, आया हुआ है, हिरनी जलप्रपात के बारे में, बूढ़ा घाट जलप्रपात आया हुआ प्रश्न है आपका, ठीक है। तो हम ध्यान देते हैं, अब रांची जिला में फिर से रिविजन शुरू से कर रहे हैं हम लोग, एक निगाह डालेंगे हम लोग रांची जिला में कौन कौन सा जलप्रपात है। तो मेरे साथ बोलिए आप सभी, घुंडरू जलप्रपात, दशम जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात, सीता जलप्रपात और सोनवा जलप्रपात। तो ये 5 जलधारा जलप्रपात हो गए यहाँ पर, कौन कौन सा? हुंडू जलप्रपात,
हुंडू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, गौतम धारा या जोनहा जलप्रपात, एक ही नाम है दोनों, या तो गौतम बोलिए गौतम धारा बोलिए या जोनहा जलप्रपात, सीता जलप्रपात, सोनो जलप्रपात। आगे पूर्वी सिंहभूम में धारा गिरी जलप्रपात जो घाट शिला के निकट है, याद रखने होंगे आपको। पश्चिमी सिंहभूम बताया था कि झारखंड की रत्न गर्भा के नाम से फेमस है। हिरनी जलप्रपात, थाकुरा जलप्रपात, लुपुंगुटू जलप्रपात यहाँ पर है। सिमडेगा में आएंगे तो सुगा काटा घाट जलप्रपात, पेरू घाट जलप्रपात, केला घाट जलप्रपात, ये सिमडेगा जिला में मिलेगा आपको। गुमला जिला में बताया था कौन कौन सा, तो सदनी घाट जलप्रपात, हेपात जलप्रपात, प्रेमा घाट जलप्रपात, नागफेनी जलप्रपात और शेरका जलप्रपात। इसके ऊपर देखेंगे हम लोग तो इधर लोहरदगा बताया था, घर घरिया जलप्रपात है ये, लोहरदगा को बॉक्साइट नगरी के नाम से भी जानते हैं। लातेहार में कौन कौन सा जलप्रपात था, बूढ़ा घाग जलप्रपात, लोधा घाग जलप्रपात, बूढ़ा घाग या लोधा घाग दोनों, या तो अगर बूढ़ा घाग बोलते तो लोधा घाग बोल रहे, लोधा घाग बोल रहे तो बूढ़ा घाग, दोनों का एक ही है, बूढ़ा घाग या लोधा घाग। बूढ़ा नदी पर है, ओढ़ा नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी थी। हाइट का मैं चर्चा किया था 137 मीटर या 450 फीट, 140 मीटर या 469 फीट। घाघरी जलप्रपात जो दो भागों में बटी हुई थी, लोअर घाघरी जलप्रपात और अपर घाघरी जलप्रपात। उसके बाद कांति जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, गौतम घाघ जलप्रपात। कंपेरिजन मैंने किया था लातेहार रांची का, गौतम धारा को इससे इसमें घाघ होगा, गौतम घाघ जलप्रपात बोलेंगे तो लातेहार, गौतम धारा बोलेंगे तब रांची। गढ़वा में आइए, गुर सिंधु जलप्रपात देखे, गुंगा झंग क्या देखे, गुर सिंधु जलप्रपात, गुंगा झंग जलप्रपात, सुख लद्री जलप्रपात, हेसातु जलप्रपात, बलचौड़ा जलप्रपात, मतलब पांच यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा। पलामू में कुंड जलप्रपात देखे, चतरा में तमासिन जलप्रपात, मालूदह जलप्रपात, केरी दह जलप्रपात और गोवा जलप्रपात। उसके बाद हजारीबाग में बोकारो जलप्रपात और फिर कोडरमा में पेट्रो जलप्रपात या वृंदाह जलप्रपात। गिरिडीह में उसरी जलप्रपात देखे हम लोग, उसके बाद रामगढ़ में आके देखे रजरप्पा जलप्रपात है, बोकारो में है लुगु बुरु घंटाबाड़ी जलप्रपात, कहाँ पर है बोकारो में है। धनबाद में भटिंडा जलप्रपात या मुनिडीह जलप्रपात कहते हैं। राजमहल क्षेत्र में मोती झरा जलप्रपात है जो अजय नदी पर बना हुआ है, अजय नदी पर बना हुआ। तो प्लीज इतना आप याद रखेंगे और वंस अगेन फिर से आपको दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक बधाई हो। और इस बार अगर आप बेरोजगार है तो कम से कम अगली बार नौकरी हो जाए हम लोगों का सबका। और हम ये कहेंगे आप सभी को बोलेंगे कि आप सभी घर पर दिल से तैयारी करेंगे, बढ़िया से तैयारी करेंगे, है ना, तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ेंगे समझेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, तब अगले वीडियो बनाने के लिए हम सोचेंगे कि हाँ अगर आपको फायदा हो रहा है तभी वीडियो बनाएंगे, अगर नहीं फायदा हो रहा है आप सभी को तो फिर टाइम वेस्ट आपका भी हम करेंगे और हम अपना भी कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं रहेगा आपको। तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, और अच्छा लगता है तो उसमें लाइक बटन जरूर दबाइए, है ना, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जो हम आपको मेहनत कर रहे हैं उसका हम लोग ये हमको लगे कि हम मेहनत जो कर रहे हैं सही दिशा में कर रहे हैं, और आपके कमेंट्स देख करके ही आपके लाइक देख करके ही अगला वीडियो बनाने का मन करता है। तो आप लोग प्लीज एक बार फिर से आप लोग रिवीजन अच्छा से कर लेंगे, और अभी तक ये पार्ट 5 आपका जाएगा झारखंड जीएस का, तो आप सभी इतना करेंगे कि पार्ट 1 से पार्ट 4 तक, पार्ट 4 5 तक पूरा रिवीजन करके रखेंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं अभी तक तो वही पढ़ना है, नहीं, आपको पूरा पढ़ लेने हैं, बस हम जो भी समय मिलेगा उस समय का सदुपयोग करेंगे आपके लिए और जो भी संभव होगा मदद करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि मैं सर गांव से रिलेट करता हूं तो आपका वीडियो अच्छा लगता है, ऐसे से बच्चों का देखता हूँ कमेंट्स तो अच्छा लगता है, और जितना हो सके, पूरा तो नहीं लेकिन जितना हो सके मदद करने का पूरा प्रयास हमारी तरफ से रहेगा। एक रिक्वेस्ट होगा कि दिल से पढ़ेंगे और बुक्स जरूर पढ़ेंगे, बुक्स आपके पास होने चाहिए, जैसे लूसेंट झारखंड ले लीजिएगा, मनीष रंजन की बुक है वो भी आप ले सकते हैं, ले लीजिए, और आप नेट का सहारा लेंगे उससे अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं, और नोट का ये सब देख करके सिर्फ देखिएगा मत, इसको लिख लीजिएगा ताकि आपको याद हो सके, दिमाग में बैठ सके, ऐसा नहीं कि वीडियो देख करके टाइम पास कर लिए तो रिजल्ट नहीं हो पाएगा, तो आपको इतना करना होगा आपके लिए। फिर से वंस अगेन आपकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं मैं सूरज कुमार, थैंक यू, धन्यवाद।